राजा मिहिर भोज को लेकर कुछ दिनों से चल रहे विवाद के चलते और राजा मिहिर भोज जन्मतिथि पर सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा 19 अक्टूबर 2021 को ग्राम रणखंडी में रैली निकालने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी रजनीश उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर गुर्जर समाज के युवा नेता हिमांशु संसार ने बताया कि कुछ दिनों से गुर्जर प्रतिहास सम्राट राजा मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज के बीच विवाद बना हुआ है। इस विवाद के चलते राजपूत समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा सोशल मीडिया पर राजा मिहिर भोज की जन्मतिथि पर 18 अक्टूबर को ग्राम रणखंडी में रैली निकालने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही है। इसके लिए हमने सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय को ज्ञापन दिया और मांग की कि इस रैली को तत्काल रोका जाए। अगर प्रशासन इस रैली को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं करता है तो गुर्जर समाज इसे रोकने का काम करेगा। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमारे प्रतिहार सम्राट गुर्जर राजा मिहिर भोज जी की जयंती है। अभी हमने देखा कल कि ये राजपूत समाज के कुछ लोग, उन्होंने पोस्ट डाली हुई है कि सभी क्षेत्र के राजपूत समाज के लोग रणगंडी गांव में पहुंचे और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के पास से सुबह 9 बजे 18 तारीख को ये महाराज मिहिर भोज जी की रैली निकाल लेंगे। अपने समाज का बता के राजपूत समाज, राजपूत सम्राट मिहिर भोज जी लिख के और उसकी जयंती निकालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच। इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और ये कारण ये है देने का कि हम शुरुआत नहीं करना चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते आपस में। और अब हमने सीओ साहब को ज्ञापन दे दिया है कि इस रैली को रोका जाए और अगर प्रशासन इसे तत्काल नहीं रोकता कल, तो फिर गुर्जर समाज इसे रोकने का काम करेगा।